कृतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों आप बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, पहले हाई कोर्ट से झटका लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो यहां पर उनको जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि यहां पर मनीष सिसोदिया की वकील रही, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ईडी सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है, फिर इसके बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी बात यह है कि संजीव खन्ना और भट्टी की जो पीठ थी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर घोटाला नहीं हुआ है तो ईडी गिरफ्तार क्यों करती। 228 दिन से ऊपर यहां पर हो चुके हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो कई बार मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोर्ट पहुंचे और कोर्ट पहुंचने के बाद तमाम दलीलें पेश की, याचिका पेश की, लेकिन हर बार खारिज होती चली गई। तो 3 सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या अब यहां पर संजय सिंह के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल भी फंस जाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, कैसे देखते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है मनीष सिसोदिया को, अब कौन सा विकल्प अपनाते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी और ऐसे में उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर से टाल दिया गया है, तो आप देखिए दर्शकों लगातार जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनाव को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, एक तरफ उनकी पार्टी के नेता जो है जेल में बंद है और उनकी जो जमानत याचिका है उस पर बार बार जो है अटकलें लग रही, और ऐसे में विधानसभा के चुनाव है जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी जो परेशानियों से घिरी है वो लगातार जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इधर केजरीवाल भी चुनाव को लेकर परेशान है, हालांकि केजरीवाल ने एक दाव खेलने की प्रयास किया था कि संजय सिंह चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जेल में बैठे बैठे तय करेंगे, लेकिन आखिरकार जेल में बैठे बैठे कोई नेता अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कितने हद तक ले जाता, और ऐसे में केजरीवाल के पास एक ही जो है उपाय बचता है कि वो फिलहाल के लिए अपने नेताओं की चिंता छोड़कर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो चुनाव प्रचार के लिए निकले। अगर वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलते तो पहले तो उनके नेताओं के ऊपर जो समस्या है वो गिरी है, और दूसरा जो चुनाव में जीत की है उनके पास उम्मीद थी, हालांकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही थी और कुछ ऐसी पार्टियां जो राष्ट्र पार्टियां थी उनको धक्का देकर काफी ज्यादा आगे निकल गई। आपने देखा पुराने चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां कुछ का कोई अस्तित्व नहीं था आज एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया यहां पर दोषी पाए गए, मनीष सिसोदिया अब लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं और संजय सिंह को लेकर भी यहां पर अटकलें सामने रही और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह के साथ भी यही होगा जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, क्योंकि 228 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजा खटखटाने के बाद जब संजीव खन्ना और भट्टी की पीठ ने जो फैसला सुनाया उससे पता चल गया कि मनीष सिसोदिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह बचने वाले नहीं है। तो वहीं देखा जाए तो संजय सिंह को लेकर लगातार अटकलें सामने ये हैं कि संजय सिंह क्या अब जेल में रहने वाले हैं, जैसा कि आकाश ने बताया कि यह कयास लगाया गया था कि संजय सिंह चाहे मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन ये तीनों जेल में बंद क्यों ना रहे, लेकिन जेल में बैठे बैठे कहीं ना कहीं रणनीतियां स्ट्रेटेजी तैयार करते रहेंगे, लेकिन ये असंभव है। तो सवाल ये उठता है कि आतिशी ने जो बात मनीष सिसोदिया को लेकर कही थी कि मनीष सिसोदिया की छवि को खराब करने का जो है पूरी कोशिश कर रही है भाजपा पार्टी, क्या इसमें सच्चाई है? मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब अरविंद केजरीवाल की छवि को भी खराब कर दिया जाएगा, क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है? जी वाकई में देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो समस्या है और लगातार ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, आप देखिए आम आदमी पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेता इस वक्त जेल में, और जेल में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में है जहां पर बड़े कैदियों को रखा जाता है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। वही अतिशी से लेकर केजरीवाल ने इस बात का हवाला दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि चुनाव आने वाले और चुनाव से पहले वो काफी ज्यादा घबराती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी से, और ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ईडी सीबीआई की जो है जांच करवा कर दूसरी पार्टियों को दबाया जाए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर साफ तौर पर कई बार हमला बोलती हुई नजर आई, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल। ईडी सीबीआई का साफ तौर पर यही कहना था कि यहां पर संजय सिंह चाहे मनीष सिसोदिया की बात कर लो, जो भी आबकारी नीति में फंसे हुए हैं उन्होंने बड़े बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, ये बात ईडी सीबीआई ने साफ तौर पर कही थी। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईडी सीबीआई का दौर नहीं रोकेगा, ईडी सीबीआई की कार्यवाही नहीं रोकेगी, तो
क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा पार्टी जमीनी स्तर पर ठीक से काम कर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के सबसे बड़े न्याय की मंदिर ने यह फैसला सुना दिया है कि यहां पर दोषी है मनीष सिसोदिया। सवाल यह रहेगा कि ईडी सीबीआई की जो छवि को खराब करने का एक काम किया जा रहा है, ये हकीकत है या फिर देखा जाए यहां पर कि ईडी सीबीआई भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है आकाश, क्योंकि दोनों मसले सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई अपना काम ठीक से कर रही है, लेकिन तमाम नेताओं का यही कहना है कि ईडी सीबीआई जो है वो कठपुतली बन चुकी है भाजपा सरकार की। जी देखिए, वाकई में देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो सबूत की बात की गई, तो अभी तक ईडी सीबीआई ने जो सबूत है उसको पेश नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि मनीष सिसोदिया सचमुच इस मामले में फंसे, लेकिन उसको लेकर कोई तथ्य अभी साफ नहीं हुआ। और ऐसे में यह कयास नहीं लगाया जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है या फिर जो विपक्ष के पार्टी के नेता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी का नेताओं के साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है चुनाव आने वाले, और चुनाव से पहले जो उनके पार्टी के नेता हैं उनको धूमिल करना चाहता है, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई को अपने दबाव में लेकर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है कि सचमुच फंसे, लेकिन जो तथ्य की बात जैसे की जा रही है, सबूत की बात की जा रही है, वो अभी तक ईडी सीबीआई ने पेश नहीं किया। तो आखिरकार किस मुद्दे पर और किस बिना पर सजा की बात की जा सकती है? संजीव खन्ना का भट्टी का फैसला आ चुका है साफ तौर पर, देखा है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है दबाव में काम कर रही है, लेकिन आप देख नहीं सकते कि जो सुप्रीम कोर्ट है देश का न्याय का मंदिर है वो निष्पक्ष है? आप कैसे कह सकते कि ईडी सीबीआई दबाव में है? आकाश देखिए, आज मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पिछले कई बार जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान कई बार उनकी सुनवाई को टाला गया, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष बार बार हमला बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब उनके पास सबूत है तो आप सबूत पेश करिए, और अगर सजा देने लायक है, अगर सचमुच दोषी है, तो आप सजा देकर इस मामले को खत्म करिए। वहीं अगर हम बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह वाले मामले पर भी यही चल रहा है, लगातार उनकी सुनवाइयां होती हैं, सुनवाई टाल दी जाती है, और अब 10 नवंबर का समय दिया गया है संजय सिंह की सुनवाई पर। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ईडी सीबीआई सबूत पेश नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना रही, और बार बार टाला जा रहा है कि ईडी सीबीआई जो है दुरुस्त नहीं है, यानी कि ढील डालती है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया, समझा गया है कि ईडी सीबीआई जो है जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि 10 नवंबर को संजय सिंह को लेकर क्या होने वाला है, क्या यहां पर ईडी सबूत पेश कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल विकल्प अपना तो नजर आएंगे, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है, हाई कोर्ट से पहले लग चुका था, अब कोई विकल्प यहां पर सामने नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ लगता है आकाश आपको कि अंतिम विकल्प यहां पर केजरीवाल के हाथों में क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर फिलहाल अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव में अपना अगर रुख करना चाहते हैं तो उनको अपने नेताओं से हटकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो अकेले हैं, उनके पास किसी ऐसे नेता का सपोर्ट नहीं। अभी हाल ही में टिकैत का भी एक जो है सपोर्ट की बात कही जा रही थी कि संजय सिंह के पत्नी से वो मिलने गए तो टिकैत ने सहानुभूति जताई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर किसान नेता टिकैत का समर्थन मिलता है तो चुनाव में उनकी जो छवि है, जो ये कहे कि आने वाले चुनाव में थोड़ा सा हिम्मत उनको बनती हुई नजर आएगी, और फिलहाल उनके नेता फंसे हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल की सूझबूझ जो है कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि फिलहाल अपने नेताओं से हटकर अगर वो चुनाव में ध्यान देंगे तो आने वाले चुनाव में अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि आकाश का यही कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव पर ध्यान दें नेताओं को भूलकर तो ठीक रहेगा, लेकिन यहां पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार अपने बयानों में यही कह रहे हैं कि उनके नेता निर्दोष हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये जनता का वोट बैंक था, जनता ने जो है समर्थन दिया इसलिए विजय हुए। अब देखना ही पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या संजय सिंह और यहां पर मनीष सिसोदिया को बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर खुद जेल चले जाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।